आराम से जाइए यार। ये वाटरपोल काफी अंधेरा हो चुका है, हम लोगों का ये भैया ड्राइवर भैया आपको दिखाई नहीं मिल रहा होगा आप लोग। ये अपना सो है गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। दिस इज मी क्योनिसो की एंड यू आर वाचिंग एमएसडी ब्लॉग्स एंड प्लीज कीप वाचिंग एमएसडी ब्लॉग्स। सो गाइस, अभी हम लोग है आलो पे। एक्चुअली हम लोग कल ईटानगर से बहुत ही रात को निकले थे, उसके कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था। आई मीन मैं अपने सेलफोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा कैमरा क्वालिटी भी रात को जो बहुत ही वर्स रह जाता है। आई मीन आप लोगों को कुछ दिखाए देखने को ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आलो से ही शुरू करूँ। अभी सुबह के बजे है 9, हम लोग पहुँचे थे आलो में 6 बजे के अराउंड पहुँच के एक दोस्त के घर पर रुके थे, वहाँ पर ठहरे थे। तो अभी हम लोग निकलेंगे। हम लोगों का ये जो कार है, ये कार से हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आलो से मेचुका की ओर निकलेंगे। आप सभी जरूर बने रहिए। आप सभी को मैं जितने हो सकूँगा अपने जो एक्सपीरियंस आलो टू मेचुका का एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए ट्राई करूँगा। सो बने रहिए गाइस। सो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं मेचुका टापू। यू नो, अरे सॉरी, मेरा ये पास गया रे। रुको 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 रुको, यू नो गाइस, मैं अभी तक प्रेसअप भी नहीं किया हूँ, बहुत ही प्रेसअप करने का मन भी नहीं कर रहा था। ब्रश को तो दूर की बात है, मैंने अभी तक मारा भी नहीं। कल से मैं ब्रश नहीं किया, इसलिए मेरा मुंह भी बहुत ही अनफ्रेश लग रहा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम लोगों का जो साथी लोग है यहाँ पे पीछे में, हम लोग 4 लोग एडजस्ट करके गए हैं। सबसे रिस्क वाला चीज़ ये जैसे कि आपने देखा आगे में एक के ऊपर एक बैठे हुए। एक्चुअली हम लोगों का यहाँ पे, हम लोग जितने भी जा रहे हैं, किसी को भी यहाँ से आलो टू मेचुका का रास्ता अच्छे से नहीं पता, उसके कारण हमें एक गाइड की ज़रूरत थी। सो हमने यहाँ पे जिसके घर पे हम ठहरे थे उसको हम लोगों ने उतार लिया, किडनैप करके हम लोग अभी उसको ले जा रहे हैं। सो ये जो पर्सन है, ये हम लोगों का लीडर है, चौथे सरकार, ये अपने आप को चौथे सरकार कहते हैं। एक दिन ये जरूर CM बनेंगे, नाम लिखा का को, आप सभी याद रखिएगा नाम। एक दिन ये जरूर बड़े पॉलिटिशियन के लिस्ट में जरूर आएंगे, मैं भी दुआ करता हूँ। तो गाइस चलिए आगे धीरे धीरे अपने जर्नी को एंजॉय करते हुए मेचुका के ओर चलते हैं आलो से। तो गाइस, ये जो नदी आपको नज़र आ रहा है, आई मीन ये रिवर, यहाँ से बहता है आपका यमगो रिवर। लास्ट में जाके ये बन जाता है सियांग रिवर, यानी कि मिलजुल के। सो आपने यमगो रिवर फेस्टिवल ज़रूर सुना होगा, आलो का बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है, वो रिवर यही है। सो है गाइस, अभी हम लोग काइंग को पार कर चुके हैं। काइंग को पार करने के बाद यहाँ पे आए हैं। ये कौन सा एग्जैक्टली कौन सा रोड है मुझे पता नहीं। यहाँ पे पूरा रोड कटिंग चल रहा है, यहाँ पे पूरा हाईवे कटिंग चल रहा है, उसके कारण रोड बहुत ही ख़राब है। उसके कारण ये जो हमारा कार है,
कार का बम्पर को भी थोड़ा दिक्कत दे रहा है, बिकॉज इनका टायर जो है कि बहुत ही छोटा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से अभी आराम आराम से जाएंगे और पता नहीं मैं चुका कब पहुँचेंगे। मेरे ख्याल से तो ऐसे ही चलता रहा तो रोज इसी तरह से होता रहा तो हम लोग मैं चुका थोड़ा देर से पहुँचेंगे, आई मीन रात को। तो बहुत ही टिकले थे भैया, यहाँ का रोड आपको कैसा लग रहा है? बहुत डेंजर। हाईवे तक तो ठीक था ना? हाईवे तक ठीक था, अभी बहुत डेंजर है, आगे जाके बम्पर उम्पर लगने का भी बहुत चांसेस है ना। तो हमारा जो ड्राइवर भैया भी बोल रहा है बम्पर उम्पर में लगने का चांसेस भी है। सो चलिए आगे आगे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा होता है। चलिए गाइस, हेलो। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, वी आर स्टक हेयर बिकॉज हम लोगों को नामना पड़ा, बिकॉज यहाँ का रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, उसके कारण कार के जो वेट है, हम लोगों का वेट ज़्यादा होने के कारण हम लोगों को हम ड्राइवर भैया ने नामने के लिए कहा है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे नाम के थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। वाह, ये रोड जैसे कि आप देख सकते हैं यही है अरुणाचल का एक्सट्रीम रोड। ये दोस्त कह रहा है कि यहाँ पे हाईवे कैसे बन पाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं काई ज़्यादा है और हाईवे बनने के लिए ये सबको कटिंग करना पड़ेगा ना, पूरा कटिंग वटिंग ऊपर से और गिरते रहेगा ना, जितना कटिंग करेगा पूरा गिरते रहेगा। हम लोगों का जो गाड़ी है वो वो दूर पे है। सो गाइस आगे बने रहिए हम लोगों के साथ। सो गाइस नाउ फाइनली वी रीच एट हिबा विलेज, हम अभी हिबा विलेज पे पहुंच चुके हैं। सो हम लोग अभी यहाँ पे हिबा विलेज पे पहुंचने के साथ साथ हम लोगों को बहुत ही एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, और एक्चुअली हम लोग यहाँ पे लंच वगैरह करने के लिए रुके थे, लेकिन हम लोगों को बहुत ही एक खूबसूरत ही नज़ारा दिख गया। आई मीन यही है जो आलो से मेचुका का सबसे सुंदर नज़ारा, यही है आलो तू मेचुका का। सो अभी मैं आप सभी को दिखाता हूँ गाइस, इतना खूबसूरत झरना है, खूबसूरत वाटरफॉल है, इतना ऊंची चौथाई चोटियों पे। यहाँ से आपको ये सेलफोन में मेरे इस सेलफोन से इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो हम लोग जो रियल अपने आंख से देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत है। जो रियल में देखना और वीडियो में देखने का मज़ा ही कुछ अलग है, वीडियो में आपको अच्छा तो लगेगा लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना हम सभी को अभी देखकर लग रहा है। सो आप मेचुका से जब आलो से जब मेचुका की ओर जाते हैं तो आपको ये आधे रास्ते पे ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ये न्यू बना है, जब मैं लास्ट टाइम आज से लगभग 4 साल पहले मैं गया था, यहाँ पे ऐसा घर वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ पे जो घर वगैरह है ये आगे में आपका एक हिबा लाइन होटल बोल के है, वो सब नहीं था, ये सब न्यू बना हुआ है जी। यहाँ पे जितने भी जो आप देख ही सकते हो, काश मेरे साथ ड्रोन होता तो मैं वो ऊपर में पूरा उड़ाता। ये सब मेरे साथ ही है, दो वहाँ पे है वो लाइन वाले होटल पे। कैसा लगा आप लोगों को ये झरना? बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत तकलीफ हुआ है ना रास्ता, लेकिन ठीक नहीं है, गवर्नमेंट बनाना चाहिए। रास्ता तो बहुत ही तकलीफ था। आप सब भी यहाँ पे जरूर आके एक दिन एंजॉय कीजिएगा। मैं जानता हूँ मेरे जो व्यूअर्स है आप सभी में से कुछ लोग कभी नहीं देखा इस जगह को, कभी नहीं देखा। आई होप आप सभी जरूर एक दिन यहाँ पे आएंगे और फोटो सेशन अपने एंजॉय करेंगे, काफ़ी खूबसूरत है। हेलो हेलो।
एंड गाइस मैं आप सभी को बता दूं, इस वाटरफॉल का नाम है सिको दिदो वाटरफॉल। सो गाइस फाइनली हम लोगों का जो हिबा होटल पे हम लोग यहाँ पे लंच के लिए रुके थे, हम लोगों का लंच तो कंप्लीट हो गया। जैसे आप पीछे में वाटरफॉल देख रहे हो, थोड़ा पहले मैंने आप सभी को दिखाया था। अभी हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे मेंचुका की ओर, जहाँ पे हमारे यहाँ से सीधे आपको मेंचुका ही पड़ेगा, ये हिबा लाइन होटल। आई मीन यहाँ से आपको तातो देखने को मिलेगा, तातो से आपको सीधा मेंचुका जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर मिलेंगे हम लोग। मेंचुका पे पहुँचते काफ़ी रात हो जाएंगे, इसीलिए शायद मेंचुका पे मैं ब्लॉक नहीं भी कर पाऊँ। सो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, बिकॉज यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है, एक्सट्रीमली है। उसके कारण हम लोग धीरे धीरे आए, इसीलिए हम लोग बहुत ही लेट हो गए। सो अभी यहाँ पे थोड़ा तहरे है, यहाँ से हम लोग अभी निकल जाएंगे। निकलने के बाद सीधा आप लोगों से मेंचुका में मुलाकात होगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, आराम से जाइए। हाँ, ये वाटरफॉल काफी अंधेरा हो चुका है, लग जाते क्या हम लोगों का। ये भैया ड्राइवर भैया आपको दिखाई नहीं मिल रहा होगा, आप लोग ये अपना यहाँ पे काफ़ी लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, डांस वगैरह भी कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ से हिबा से सीधे सीधे प्यारे तरीके से हम लोग अभी जाएंगे तातो के ओर। तातो से हम लोग सीधा आप सभी से मिलूँगा मेंचुका में। अभी ऑन करते हैं, ये देखिए और ये मेरे साथी लोग है। कबीर, कबीर सिंह, प्रिया किधर है? प्रिया सामने में बेहतर है, तो ये कुटिया से दिखा दी। हाँ, ये है प्रिया। सो गाइस नाउ फाइनली वी रीच्ड एट मेंचुका। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हम जाने वाले थे। सो अभी हमें काफ़ी रात हो चुकी थी, हम यहाँ पे पहुंचे थे 8:15 AM को, और यहाँ पे 9 बजे तक कोई भी लॉज वगैरह या फिर कोई भी होम स्टे वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से एक होम स्टे ढूंढा है। यहाँ में जितने भी आए थे सब पहली बार आए थे, अनएक्सपीरियंस है, इसलिए हम लोगों को ये लॉज बहुत ही मुश्किल से मिला। ये हम लोगों का रूम है बहुत ही मुश्किल से, ये एक रूम डबल बेड है, यहाँ पे बाथरूम अटैच नहीं है, बाथरूम सिंगल बाथ। दूसरे रूम का मैं आपको टूर करवाता हूँ थोड़े रुक के। और यहाँ पे हम लोगों का रूम है, ये भी बाथरूम अटैच तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक रूम में ट्रिपल बेड है। यहाँ पे जो ये आप टोकटा का घर बने देख रहे हो, यहाँ पे हवा कुछ नहीं घुसता। इन लोगों ने यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं यहाँ। ओके रेस्ट कीजिए, हाँ गुड नाइट। सो अभी हम लोगों के साथ जो डिब्रूगढ़ से भैया लोग आए हुए थे वो इस वाले रूम पे तहरे हैं, और यहाँ पे हम लोग सोएंगे। यहाँ पे एक सिंगल बेड एंड यहाँ पे डबल बेड, सॉरी दोनों डबल बेड है। सो कल सुबह हम लोग पूरे मेंचुका घूमेंगे। जैसे कि आप यहाँ के जो नज़ारे देख सकते हो, ये पोटाला होम स्टे का नज़ारा है। हम लोगों का जो साथी है भैया मिला था रास्ता में, बहुत ही काफ़ी अच्छे। भैया एक बार हाई कर दीजिए, आपका नाम क्या है वैसे? मंटू देव। भैया डिब्रूगढ़ से है ना? सो हम लोग साथ में ही तहरने वाले हैं। जैसे कि आप नज़ारे देख सकते हो, यहाँ का जो होम स्टे का जो डिज़ाइन है बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है। वैसे यहाँ तो कॉमन बात है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक यूनिक वाला बात है यहाँ के जो डिजाइनिंग है, काफ़ी खूबसूरत लगा। पानी इतना तंदा है कि सब डर रहा है। सो हम लोगों को रात में लॉज में खाना का तो अवेलेबल नहीं मिला, इसलिए हम लोग मैगी ऑर्डर किया था। सो हम लोग अभी मैगी खाएंगे, मैगी वगी खा के, तो मैगी वगी खाने के बाद हम लोग सब सो जाएंगे। ऐसे नहीं होते, एक्सप्रेस वाला नाम नहीं होता है, एक येलो कलर का पैकेट में होता है। गाइस बहुत दूर जर्नी के बाद, बहुत ही गद्दे गुद्दे पुटहोल्स रास्ते के बाद बहुत ही थक गया हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा आराम कर लूँगा, उसके बाद फिर कल सुबह हम लोग फिर घूमने निकलेंगे यहाँ से।
और यहाँ के जो रूम के ओनर है वो भी कह रहा है कि कल यहाँ के जितने रूम है वो बुकिंग है, इसलिए हमें शायद कल सुबह दूसरे रूम के तलाश करना पड़ सकता है। इसलिए उसके लिए भी फिर हमें सुबह घूमना पड़ेगा। और हम यहाँ पे आए हैं 2 दिन के ट्रिप के लिए। सो गाइस, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। सो अभी के लिए स्टे ट्यून, गुड नाइट।